हाय एवरीवन हु इज़ वॉचिंग मी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेला का हेयर कलर, वेला कोलेस्टन। इसे मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो जैसे भी है पैकिंग आप देख लो। और जो कलर है वो कलर का जो शेड है वो ब्लैक, और नंबर है इसका 302/0। तो ये हेयर कलर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने भी इसको रिव्यू करना था, चेक करना था कि कैसा हेयर कलर है, और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो भी बनाया। तो यहाँ पे आप इसकी पैकिंग देख रहे हो और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि किस तरह का हेयर कलर होगा, तो आपका कैसा हेयर कलर रहेगा। अभी तो मैं सिर्फ डार्क शेड में जा रही हूँ, ब्लैक हेयर कलर है ये। अभी इसका फार्मूला वगैरह है मुझे चेक करना है, और सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बताए गए हैं क्या क्या इसमें शामिल किया गया है। और इसकी पैकिंग खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे इसकी डेट इस तरफ मेंशन है, कोई भी चीज़ लें उसकी डेट ज़रूर आप देखा करें। और ये मेड इन जर्मनी है, और www.vela.com से आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मैंने लिया है, तो आप इसको ख़रीद सकते हो। इसके शेड कार्ड मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। जैसे ही मुझे इसका शेड कार्ड अगर कहीं नज़र आता है, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। बॉक्स पैकिंग थी, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने इसे अनबॉक्स किया। इसमें सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो, इसको आप बोलो क्या कहते हैं, बुकलेट या ब्रोशर, इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई फर्स्ट टाइम हेयर कलर कर रहा है या जिसको नहीं पता हेयर कलर कैसे करते हैं घर पे, तो वो इसको रीड करे। इस सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट हेयर कलर। और अगर किसी को नहीं पता, सादा तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, ये इसमें डेवलपर है 6%, तो ये ना 20 वॉल्यूम है। जब आपने नेचुरल एशियन हेयर कलर की तरफ जाना है, या आप लोगों ने ग्रे कवरेज करनी होती है, तो 20 वॉल्यूम ही यूज़ होता है। तो पैकिंग में 20 वॉल्यूम का डेवलपर ही था, और साथ ट्यूब थी, साथ ग्लव्स मिले, साथ जो ऑयल रिप्लेसमेंट था वो मिला। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कलर कैसे बनाना है। इक्वल रेशियो में कलर बनाते हैं, उतना ही आपने कलर क्रीम ट्यूब लेनी है, उतना ही आपने डेवलपर लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डेमो देना है, इस वजह से मैंने उतनी क्वान्टिटी में ही कलर लिया है, सेम रेशियो लिया है 1:1 का। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और फिर आपने इसको अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको हेयर कलर दिखा रही हूँ कि कैसा ब्लैक कलर है। मैंने ऑलरेडी मेरे जो नेचुरल कलर है वो ब्राउन में आता है, ब्लॉन्ड सा कलर है मेरा 5-6 लेवल का। मैंने इस पर ब्लैक हेयर कलर किया था, उसके बाद मैंने ये वाला ब्लैक हेयर कलर किया, और आप मेरे हेयर पर रिज़ल्ट देख रहे हो। ये बिल्कुल जेट ब्लैक हेयर कलर नहीं आया, लेकिन अच्छा शेड आया, मुझे ये हेयर कलर पसंद आया। लेकिन मैंने इसी कलर का हेयर कलर आप लोगों के साथ शेयर किया होगा या करूँगी, उसमें जो ब्लैक कलर आया था वो बहुत खूबसूरत आया था। बाकी डिपेंड भी करता है कि आपने कलर के ऊपर कलर किया है, या करंट कलर कैसा है, और आपके बालों का टेक्स्चर कैसा। इसकी प्राइस भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तकरीबन 500 से 700 तक ये आपको मिल जाएगा, और अफोर्डेबल है। जैसे आजकल मार्केट में हेयर कलर्स की प्राइस है, तो उस लिहाज से अफोर्डेबल है, और एक अच्छा हेयर कलर, मुझे ये अच्छा लगा। बस ये है कि इनकी शेड रेंज जो है ना, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों ने ग्रे और वाइट कवरेज करनी है, वो लोग इसको ट्राई करें, उनको यकीनन ये पसंद आएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।